हेलो दोस्तों, टेक राइटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को गूगल से अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इंग्लिश, राइट साइड में हिंदी आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू इंटर टेक्स्ट। सिंपली यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उसका मतलब हिंदी में समझाएंगे। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। अब अगर इसे आप यहाँ से बीच वाले आइकन से रिवर्स कर देंगे और हिंदी में लिखेंगे तो उसका मतलब इंग्लिश में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया है। अब जानते हैं यहाँ पे आप कैमरा का आइकन दिख रहा है, तो आप इसे किसी भी पेज को स्कैन करके उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली कैमरा के आइकन पर टैप करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, इसको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तीन ऑप्शन है, इंस्टेंट, स्कैन एंड इम्पोर्ट। इंस्टेंट में आपको तुरंत वो हिंदी में करके बता देगा और स्कैन में आप पहले स्कैन कर लीजिए, इसके बाद इस बीच वाला आइकन को क्लिक कर दीजिए। स्कैनिंग हो गया है, अब यहाँ से इसको हाईलाइट कर देना है। देख सकते हैं एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर, इसका हिंदी मतलब है कंप्यूटर की खोज। सिंपली यहाँ से कट कर देना है। तीसरा है इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट मतलब आपके पास अगर कोई फोटो है और उसका मतलब आपको हिंदी में समझना है तो इसके लिए आप यहाँ इसको अलाउ कीजिए। इसको हाईलाइट कर दीजिए यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। अब चलते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ, जो है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग से आप पहले आप इसको रिवर्स कर लीजिए, अब हिंदी में कुछ लिखेंगे तो उसका मतलब इंग्लिश में आएगा। सिंपली आपको हैंडराइटिंग पे टाइप करना है, आज लिखा उसका मतलब टुडे आया। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में हिंदी, राइट साइड में इंग्लिश। आपको अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सिंपली इस हिंदी वाले माइक पे क्लिक करना है और बोलना है आप क्या कर रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हिंदी बोला, उसका मतलब इंग्लिश में आ गया। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में जानना है तो सिंपली आपको इंग्लिश वाले इस माइक पे क्लिक करना है, What can I do for you? जैसे आप देख सकते हैं What can I do for you? मैंने बोला तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऊपर में आ गया। तो जानते हैं इस वॉइस वाले आइकॉन पे क्या आता है। सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करना है और बोलना है तुम्हारा नाम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हो गया है। ये सब हो गया गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के अंदर, आपको इतना सारा फीचर मिल जाता है। अब अगर व्हाट्सएप में कोई आपके साथ इंग्लिश में चैट कर रहा है तो उससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, उसके बाद टैप टू ट्रांसलेट इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है।
अब चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ, जिससे आप इंग्लिश में चैट करें और उसका मतलब आपको हिंदी में समझना है। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में आ गया हूँ और यहाँ से उस मैसेज को कॉपी करना है जिसका मतलब आपको हिंदी में जानना है। यहाँ से जैसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश लिखा हुआ है नीचे वाले पे, ऊपर में भी इंग्लिश डिटेक्टेड। तो सिंपली आपको यहाँ से इसे हिंदी कर देना है और यहाँ से आप आसानी से वो क्या बोल रहा है उसका मतलब समझ सकते हैं। चलिए मैं और एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी किया, इस वाले ब्लिंक आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे हम किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम गूगल करते हैं, तो गूगल पे हमको जितने भी आर्टिकल मिलते हैं वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप उसे आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसको मैंने सर्च किया और यहाँ से स्क्रॉल करके किसी भी साइट पे जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिल रहा है। अब इसको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, बहुत से लोग समझ सकते हैं बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सिंपली आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे दिख रहा होगा इंग्लिश गुजराती, तो आप अगर इसे गुजराती में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं सारा गुजराती में आ गया है। और अगर इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है, मोर लैंग्वेज में जाना है और यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब सारा हिंदी में आ गया है, जिसे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको यही गूगल ट्रांसलेट अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।